गुलमार्ग की तरफ जा रहे हैं अभी। जय हिंद सर, जय हिंद। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर गुलमार्ग। ये गुलमार्ग का रूट ना पूरा हाइटेड है, ऊपर है, बहुत ऊँचा, अभी पहाड़ी टाइप का ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहा। वो पीछे गाड़ी खड़ी है, उसमें मुझे लिफ्ट मिली है। भैया बोल रहा है यहाँ से शूट कर लो, आराम से वीडियो वीडियोस इंजॉय करो, फिर चलते हैं बोले। तो चलते हैं ऊपर, पर ऊपर पूरा स्नो है, स्नो की तरफ जा रहा है। हम आपको ऊपर दिखाएंगे। और मैंने ये सब ग्लव्स लिया है क्योंकि यहाँ पे जैकेट भी लिया है पूरा, क्योंकि ये चलते नहीं है, इसको यूज करना पड़ेगा। और रेंट पे भी मिलते हैं यहाँ पर, किसी को लेना होगा तो। पूरा बर्फ वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से, इतना सुकून, इतना मजा लग रहा। हम पूरा व्यू आप कसम से हम पहुंच गए गुलमार्ग। और ये भैया की गाड़ी है पीछे। भैया यहाँ पे पूरा हाइटेड पे ना स्नो है, पूरा पूरा स्नो है, देखिए ऊपर। और ये पीछे गाड़ी है। भैया भी बोले खाना खा के जाइए, क्योंकि कोई भी लिफ्ट देता है ना बगैर खाने के नहीं जाने देता है, इसलिए भैया के साथ अभी खाना खाते हैं। हेलो भैया जी, नाम बता दीजिए अपना। अली। अली, ओके। अभी खाना खाने के लिए इन्वाइट किया है, लिफ्ट भी दिया है सर ने, और साथ में ओके। और ये है दुकनी, जो कि पूरे रेस्टोरेंट को गर्म रखती है, और इससे जो धुआं निकलता है वो ऊपर से बाहर निकल जाता है। भैया ने अभी मेनू दिया है, बोले डिसाइड कीजिए। हम की डिसाइड क्या करना है, चार रोटी और अपना दाल चलेगा बस, क्योंकि बहुत महंगा है ना, टूरिस्ट प्लेस है। सर आप नहीं खाओगे खाना? नहीं, मैं चाय पीऊंगा बस। खाना? खाना नहीं खाता हूं मैं। तो कैसे चलता है, क्या खाते हो? कैसे कैसे चाय? चाय एक नशा है ना कश्मीर का। एक बग कहवा पी लेना आप, okay. एक कप पीने से 3 साल लंगर होते हैं। वो फेमस है यहाँ का सैफरन की चाय। इसमें नहीं सर, ये देखिए सर का चाय भी आ गया। सर ने ऑर्डर किया था, चाय भी आ गया सर का। खाना खा लीजिए ना सर अभी। हमारा ऑर्डर आ गया है, दाल आ गया और रोटी इसमें है, देख रहे कवर है पूरा। इसको बोलते हैं कश्मीरी रोटी। कश्मीरी रोटी भैया बता रहे हैं, ये रहती है कश्मीरी रोटी। कश्मीरी रोटी हाँ। तो भैया आपने तो खाना खाया ही नहीं, आप तो चाय पी। चाय से क्या हो रहा, खाना भी खा लो ना। भूख मिट गई चाय से। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो खाते हैं। अरे सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। भैया जा रहा है तो खाना भी नहीं खाया, भैया ने चाय पिया अकेला। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम खाते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कितना चीज़ें दिया है, देखो ये कश्मीरी खाना है पूरा। देखिए आज कश्मीरी खाना खा रहे हैं हम। कश्मीर में 2-3 दिन से इंटर किया है, लेकिन खाना नहीं खाया, केवल मैगी ही खाया। आज भैया ने हेल्प किया खाने के लिए, क्योंकि लिफ्ट दी थी। तब स्टार्ट करते हैं, कश्मीरी खाना है भाई आज। कश्मीरी ये रोटी है, कश्मीरी रोटी आज मौका मिल रहा है खाने के लिए। थैंक यू। हमारा खाना हो गया, अब हम ये एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की जो जगह है बेस्ट, गुलमार्ग। और भैया भी चले गए बाहर, पूरा ठंडा लग रहा है। अंदर पूरा गर्म था, क्योंकि वो अंदर पूरा गर्म कुछ लगा हुए थे, चिमनी टाइप का, पूरा गर्म था अंदर। बाहर आया ना पूरा ठंडा लग रहा, क्योंकि पूरा स्नो है ना इस तरफ। अभी रेस्टोरेंट से आ गया हूँ मैं बाहर खाना खा के। तो भैया के लिए स्पेशल बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि भैया ने लिफ्ट देने के साथ साथ खाने के लिए भी इनवाइट किया। तो बहुत बहुत थैंक यू भैया जी आपको।
और भैया जी निकल गए हैं बिल पे करके, वो भी शायद घूमने के लिए आए यहाँ पे। अभी हम भी घूमते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। पूरा स्नो है, पूरा आसपास स्नो, लेकिन कम है स्नो अभी। तो देख रहे हमारे पास अभी शूज नहीं थे, तो भैया ने हमको हेल्प किया है, बोले ये शूज नहीं चलेगा, पूरा स्नो घुस जाएगा। ये देखिए शूज दिए है भैया ने हमको, तो एक घंटे के लिए दिए हैं। बहुत बहुत थैंक यू भैया जी, थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस विजिट। ओके ओके। यहाँ पे भैया पता है रेंट पे देते हैं सब लोग, 200 का प्राइस रहता है एक जन का, पर हमको सपोर्ट किया, थोड़ा मनी लिया है, थोड़ा लिया, ज़्यादा नहीं लिया, मतलब बहुत कम लिया है। वाह, दिस इज प्लेस कश्मीर एंड गुलमार्ग, वेरी कोल्ड प्लेस, ऑल प्लेस स्नो आइस, आई एम वेरी कूल फीलिंग, आई एम वेरी कूल, ओ एंजॉय दिस इज प्लेस, ऑल एक्टिविटीज हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग एंड सोलो राइडिंग, वेरी कूल प्लेस एंड ट्री कूल, वेरी नाइस, वेरी नाइस व्यू, ब्यूटीफुल प्लेस कश्मीर, इन हाउस रेंट, इन हाउस व्हाट हाउस, बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों हमने काफ़ी इन्जॉय किया पूरा स्नो का, बार बार जूते में आइस जा रहे इसलिए ठंडे हो रहा है पैर, अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, पूरा स्नो है भाई, पूरा स्नो है, और इस साइड रोप वे लगे हैं ऊपर, और टॉप पे जा सकते हैं, वहाँ पर और अच्छा आइस है, स्नो है पूरा, तो काफ़ी सर्दी तो नहीं लग रही, जब मैं पहले इंटर किया था ना स्नो में तब थोड़ा सर्दी लग रहा था, वो वैसे भी बर्फ़ के अंदर सर्दी नहीं लगती है, गर्मी लगती है हमेशा, तो कपड़ा थोड़ा गीला हो गया है, पूरा स्नो के अंदर गिरते गिरते अभी वापस जा रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पे ना हाउस बने हैं पूरे स्नो के अंदर, आप हाउस को रेंट पे ले सकते हैं, उसके अंदर खाना खा सकते हो, और अंदर से ना पूरा गर्म रहता है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगा आपको। ये है रोपवे, आप ऊपर जा सकते हो रोपवे के माध्यम से, तो काफी एक्टिविटीज है आप कर सकते हो यहाँ पे। सजा है, हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों आज बहुत इन्जॉय किया, पूरा स्नो का मज़ा लिया बर्फ़ में पूरा, और मुझे अभी वापस जाना है नीचे,
क्योंकि ये पूरा वैली मतलब हिल टॉप पे पूरा पहाड़ी इलाका है, ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर आते हैं। उधर से तो भैया ने लिफ्ट दे दी थी, पर इधर से भी तो लिफ्ट लेना है ना नीचे जाने के लिए। कैसे जाएंगे भाई, पैदल तो जा नहीं सकते ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।